नॉर्थ बंगाल, ये नाम सुनते ही दिमाग में ख्याल आता है वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट दार्जिलिंग और दिल छू जाने वाले पहाड़ों के नज़ारे। लेकिन इन सब के अलावा नॉर्थ बंगाल में काफ़ी खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे दार्जिलिंग और कैलिम्पोंग के बीच बसा एक ऐसा खूबसूरत और काफ़ी अंडररेटेड प्लेस जिसका नाम है लामाहट्टा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगिंग हंक। और आज मैं जा रहा हूँ लामाहट्टा के पीसफुल वाइब को फील करने के लिए और कोशिश करूंगा कि आपको घर बैठे बैठे लामाहट्टा की वाइब को फील करा पाऊँ। तो मेरा सफर शुरू होता है कैलिम्पोंग से। ये जो अक्टूबर में सिक्किम में जो बाढ़ आया था, तो हमारे कैलिम्पोंग में ये जगह भी इफेक्ट हुआ था। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा जो रास्ता यहाँ तक पानी आ गया था, ऊपर तक जाए बाइक चल रही है ना, यहाँ तक पानी आ गया था। बंगाल का रिंग रोड, बताओ। और राइड करते करते देखिए हमें कौन मिले। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सो गाइस, बाइक राइड करते करते आ चुके हैं अभी पेशोक से हल्का सा ऊपर, यहाँ पे जो टूरिस्ट पॉइंट भी है और यहाँ पे अन्नपूर्णा फास्ट फूड है। तो फास्ट फूड का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ मैं पहले भी आता था अपने दोस्तों के साथ चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू था, पर लेकिन अब पूरा चेंज कर दिया है। ये जैसे देखोगे पहले यह सिटिंग एरिया था, तो पूरा चेंज करना, मतलब अब स्टॉल टाइप का लगा दिया है। तो कभी आप दार्जिलिंग जा रहे हो या लामाहट्टा जा रहे हो, तो ये अन्नपूर्णा फास्ट फूड पर जरूर रुकना। और यहाँ पे एक छोटी बहन है हमारी अन्नपूर्णा बोल रहा हूँ, सोफिया, तो वो उसको मैं मिलता हूँ, लेकिन आज सोचा कि मिलूंगा उससे, व्लॉग्स को व्लॉग में भी लेके आऊँगा, पर लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, घर गई हुई है। तो कभी नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं उससे। बाकी आप थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते सीधे लामाहट्टा के लिए। चलिए जब तक हम चाय पीते हैं, और आप देखिए ड्रोन शॉट पेशोक के। तो गाइस, अभी हमने पेशोक क्रॉस करा है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ से जा रहे थे रोड साइड से, और सामने आप देख सकते हो उस तरफ कंचनजंगा का पूरा हिमाल। बाप रे बाप, आई होप वो दिख रहा होगा, पूरा कंचनजंगा का रेंज है सिक्किम से, मतलब मस्त दिखता है ऐसे, है ना, कमाल का एकदम व्यू यहाँ से। और ये पूरा कंचनजंगा यहाँ से आपको देख ही सकते हो, कितना मस्त लग रहा है। बाकी कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है ये कंचनजंगा व्यू। और जैसे जैसे आप दार्जिलिंग की तरफ या लामाहट्टा की तरफ आगे बढ़ते रहोगे ना, आपको जो ठंडी वाली हवा है ना, वो फील होती रहेगी। भारत माता के। फाइनली हम आ चुके हैं लामाहट्टा, तो वेलकम टू लामाहट्टा। गाइस, यू हैव अ वंडरफुल कार, ओके, हैव अ ग्रेट टाइम। 4x4 मर्सिडीज बेंज, राइट? उधर उधर उतरना, वो बस ही जाने उतरना भाई, छीटो वो बस ही रखो। तो गाइस, एक घंटे की ड्राइविंग के बाद आ चुके हैं लामाहट्टा, और लामाहट्टा का व्यू कुछ आप देख ही रहे हो मेरे पीछे कैसा है। और फिलहाल अभी लग रही है हमें ऊपर जाने अभी, क्योंकि एक ऊपर छोटा सा पॉन्ड भी है जहाँ पे बिल्कुल पीसफुल वाली वाइब आती है। तो फिलहाल अभी चल रहे थोड़ा स्नैक्स लेने के लिए, जो माउंटेन व्यू एक होटल है यहाँ पे, तो कुछ खाते हैं मोमो वगैरह, उसके बाद ट्रैक करते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि आधा घंटा समथिंग लगेगा मेरे को चढ़ने में, क्योंकि मेरी फिटनेस का तो बिल्कुल ख़राब है, लाइक ब्रांड ला रहा। और बस थोड़ा ये डिस्क्लेमर, क्या डिस्क्लेमर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो बस अब आयुष यहीं पे है, तो बस थोड़ा मोमोज वगैरह ट्राई करते आ गया। कैसा लगे हो व्यू चाहिए? दामी चाहिए, फर्स्ट टाइम आगे मिली ना? लो मैं फर्स्ट टाइम आको, अब हल्का खाएर लग दूँ भाई, लो एक छिना भेटूँ।
जय गोरखा सर, जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखा। सो गाइस फाइनली मोमोज वगैरह ओवर और यरारा माटे का एंट्री, तो अब चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे नज़ारे आओगे देखने के लिए। लेकिन मैं 2021 में आया था यहाँ पर, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह थे जो इस टाइम नहीं है। लाइक यहाँ से पूरे फ्लावर्स वगैरह थे, लेकिन हाँ ट्री भी सही है और लाइक छोटे छोटे फ्लावर्स तो है। और बाकी आप लामा हटा के बारे में पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो चलते हैं आगे की जर्नी के लिए। I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes, and they say if you want a glimpse the future you... और गाइस यहां से आप पूरा कंचनजंगा का व्यू देख सकते हो, पूरा इतना मस्त लग रहा है देखने में। तो मतलब जो लोग यहाँ पे रहते हो ना, उनके तो मौज ही मौज है। सुबह उठो कंचनजंगा, शाम को उठो कंचनजंगा, जब भी उठो कंचनजंगा, मज़ा ही मज़ा यार। ये देख सकते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आके आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया। हमको जाना है अभी पौंड और रास्ता कुछ ऐसा है और बहुत ऊपर चलना पड़ता है। लाइक मेरी फिटनेस तो मैंने आपको पहले बोला उतनी ठीक नहीं है, पर लेकिन हाँ मैं ट्राई करूंगा आज। ये जंगल से भरे रास्तों से गुजरते हुए हम जाएंगे सीधे पौंड पे, जहाँ की बिल्कुल मिलेगा हमें पीस। हम ऊपर से आ रहे भैया, 2 किलोमीटर है। देखो भैया ने कहा 2 किलोमीटर, भैया की सांस फूल रही है अभी। और आप भी बने रहो वीडियो में लामाटा के व्यू के लिए। सो गाइस हमने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है और सांस में आप देख सकते हैं थोड़े हाय 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 जर्मन शेफर्ड वाली हो गई है। तो हमने शॉर्टकट अभी रास्ता ही किया था और यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है, ऊपर लिखा हुआ है शॉर्टकट नॉट अलाउड, लेकिन ब्लॉकिंग हम कहाँ काम आने वाला विदाउट शॉर्टकट के। चलते शॉर्टकट पे, वो देखो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो बस अब मैं भी चलता हूँ, देखते हैं स्ट्रगल होता है कि नहीं होता है। काफ़ी हाँ, लेकिन ट्रैक में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर आपको शॉर्ट ट्रैक करना है, अपनी बॉडी के बारे में जानना है कि आपकी बॉडी कितना क्षमता है, आपकी बॉडी के अंदर कितना पावर है, तो आप यहाँ पे आके ट्रैक कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि आपकी हेल्थ कितने पानी में है। कैसे लगी थी मिलाई वही पहाड़ को मानते हो, कहाँ थक सा हम रास्ता देख सकते हो। अब बाप रे बाप, तो शॉर्टकट लेने में ये थोड़ा डिफिकल्टीज होता है कि रास्ते का पता नहीं चलता है जाने में। तो क्या चीज़ डेटिंग डेटिंग मजा आई रख तब भ्यूज देखना सकूँ। राहुल दा चाहिए अगड़ी गई सकता ए राहुल दा यहाँ रहे। राहुल दा के भो सको एबी अभी थोड़ा और ऊपर है, अभी 270 मीटर और चलना है। और बाकी यहाँ पे जगह जगह पे आपको बास्केट देखने को मिल जाएगा जो डस्टबिन है। तो अगर आप लामा हटा आप आ रहे हो आप भी आप, तो अगर आप कोई चिप्स या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी चीज़ खाते हो, घर का खाना खाते हो, कुछ आपके पास अगर कूड़ा का वाड़ा है तो इसको फेंक देना आसपास, चीज़ों गंदा मत करना क्योंकि बहुत ही क्लीन है, मज़ा आ जाएगा देख के जगह आपको। और बाकी आप चलते हैं, चलो भाई। क्या है राहुल दा, ये मैन वर्सेस वाइल्ड है। मैं ये सब बाटो कभी नहीं ना था। कभी नहीं ना था आज तब अच्छा नींद आ जाएगा। केदारनाथ जाने के लिए अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइस जितने भी मैंने ट्रैकिंग करी, जितने मैंने सांस फुलाई और जिस व्यू को देखना मैं चाहता था और आपको दिखाना चाहता था, फाइनली मैं आ चुका हूँ। लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द लामाटा।
आई होप आपको ये लामाहट्टा का व्यू अच्छा लगा होगा और रिकमेंडेड प्लेस आपके लिए अगर आप चाह रहे हो अपनी फैमिली के साथ थोड़ी शांति जगह पे आना, नेचर के पास क्लोज रहना, नेचर को करीब से जानना, तो ये जगह आपके लिए काफी बेस्ट होने वाली है। बाकी अब चलते हैं यहाँ से और जो टूरिस्ट मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ लामाहट्टा में आके। बच्चे कहाँ बड़ा बता पर लेक मचे फिश देखे थी मिले लेक मा देखे ना छाइन लेक मा फिश मैला पानी में कि त्यो फिस हुँदैन अनि फिस हुन किन फिस पाउँ फिस पाउँ हैन नि लामाहट्टा पाउँ भन्छ यसले फिस पाउँ भन्दा फिस छ जस्तो एकछिन तिम्रो यहाँ र तिम्रो चिक्स मलाई पुरा मन पर्यो यो ए उ त्यहाँ माछा निकिन्थ्यो जस्तो पहिला हुन्थ्यो होला खाइदिए मान्छेहरूले पक्रेर फेरि अब छैन माछा यस द मैनी बिचारा बहिनी होइन हाँसेको बहिनी फेरि एकपल्ट और बाकी अभी चल रहे थोड़ा थकान हो गई है चाय पीता है वहाँ पे थोड़ा चाय स्टॉल्स है यहाँ पे पीने के लिए दी है कि यहाँ पे चाय और कुछ सामान लगाई हुई है यहीं चलते हैं चाय वाय पीते हैं उसके बाद फिर कहीं चलते थोड़ी देर आगे। चाय काफ़ी अच्छी है और रिकमेंडेड है यहाँ पे आओ तो बिल्कुल लेक पॉन्ड के इधर ही यहाँ पे दी का स्टॉल है चाय का तो यहाँ जरूर मैगी चाय आलू थप्पा वगैरह तो मिल जाएगा यहाँ पे चिप्स वगैरह सब चटपटे बनाना फिर 4x चटपटे लो ओके। तो गए चाय वाय पी ली हमने तो अब निकल रहे आगे यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है कुछ करके जो कि इस तरफ है एक लास्ट पॉइंट है यही लामाहट्टा का तो बस अब यहीं चल रहे हैं वो पत्थर पे चल के थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद आगे ही कहानी सुनाएंगे आपके साथ। ये कुछ पत्थर का बड़ा पत्थर हमारे पास सामने तो दिखा दें आपको ये ऊपर चढ़ एक बार तेरी का तो यहाँ से कुछ भी ऐसा दिखता है यहाँ से आवाज़ घुसता भी है ब्लॉगिंग हट और गाइस देख सकते हो पीछे पूरा फॉरेस्ट एरिया है सन की रेज फेस पे आ रही है हल्का हल्का ठंडी हवा चल रही है और क्या ही कहने मज़ेदार वाला वाइब है और सच में यार आवाज़ गूंजती है एक बार फिर ट्राई करता हूँ आई लव कैलिम्पोंग गूंज रही भाई गूंज रही है आई लव ब्लॉगिंग ऑन ओ क्या है हेको मान्छेहरू सबै तर्स्यो यस्तो बाटो छ कि यो चाहिँ सर्टकटे लामाहट्टा चाहिँ उपर झिलपर जाके आम घर तरफ निकल रहे हेर्नुहोस् त सर्टकट नट अलाउड अन्त हामीहरू यहाँबाट आएको फेरि आप लोग ऐसा मत करना जो रास्ता वही लेना हम तो बस जल्दी घर जाना इसलिए शॉर्टकट ले लिया हमने पॉइंट पर जाने के लिए पानी है हाँ शॉर्टकट मत लीजिएगा ठीक है जैसे शॉर्टकट लिखा हो उसमें लिखा है नॉट अलाउड शॉर्टकट मत दीजिएगा सीधा रास्ता से जाइएगा ये पथरीला रास्ता से ही जाना है हाँ इसी रास्ते से ऊपर जैसे निकलेंगे ना सीधे हो जाएगा कैसा लगा आपको लामाहट्टा अच्छा मतलब कि हम लोग ऊपर पहले बार वही छोड़ो मतलब पोखरी तो देख चुके हैं अच्छा आप लोग क्या हम ब्लॉगर्स थे आई एम फ्रॉम कैलिमपोंग ओनली ओके सो वी आर ट्रैवल सिक्किम ब्लॉग का नाम ब्लॉगिंग हंक इज अ वी एल ओ डबल जी आई एन जी एच यू एन के हां ब्लॉगिंग हंक आप कभी आएगा या बाइकर है सो बाइकर भी है ट्रैवल सिनेमैटिक वीडियोस आता है ठीक है देख लेंगे जरूर सो वेलकम मैम थैंक यू ब्रो गुड ना सो गाइस लड़ते पड़ते आ चुके हैं अपने फ्री हाउस के अंदर और मतलब जो यहाँ से व्यू दिखता है ना वो इतने क्या है क्योंकि यहाँ से कंचनजंगा का व्यू एकदम क्लियर क्रिस्टल दिखता है भाई पसीने पसीने हो गए और तेरी का थक गया यार चलिए आपको व्यू दिखाते हैं ट्री हाउस से कैसा दिखता है लामाहट्टा का। I don't know what it means but there's a smile upon your face and I see something shimmering in your eyes and they say if you want a glimpse the future you need space so guys finally pond bhi dekh liya tree house bhi dekh liya forest bhi dekh liya kafi acha laga है ना ही आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस आप फाइनली निकल चुके हैं हम लामाहट्टा पार्क से बाहर और कुछ अपडेट आपको बता देता हूँ अगर आप लामाहट्टा को विजिट करते हो तो पहले एंट्री फी लगती थी 30-40 रुपीस वो बंद हो चुका है कोई एंट्री फी नहीं है फ्री एंट्री है ऊपर जा सकते हो ऊपर आप जैसे मैंने दिखाया था ऊपर की एक छोटा सा कैंटीन था दीदी का पहले नहीं था अब आ गया है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना अपने दोस्तों का शेयर कर देना जो कि नॉर्थ बंगाल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की ट्रैवल मजेदार वीडियो देखने के लिए ठीक है और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अच्छी अच्छी लाइव स्टोरी की तरह और अच्छे पोस्ट के लिए सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो बढ़िया लगा होगा लामाहट्टा का तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉगिंग हंक।